हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया TGT और PGT के नोटिफिकेशन में, बहुत बढ़िया मौका है इस बार 2020 में। देखिए, 2020 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, टीचर्स के फील्ड में बात करें, चाहे टेक्निकल फील्ड में बात करें, चाहे नॉन टेक की बात करें, रेलवे की तरफ से बात करें, NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अभी फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें नौकरियां तो बहुत आ गई है। अब हमें इसको कैसे लेना है, इसके बारे में बात करना है। तो पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर आगे हमारे इसका रोड मैप कैसे होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द DSSB एंड हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ DSSB। ओके, सो अगर हम बात करें TGT और PGT में, तो इसमें कई पोस्ट पर वैकेंसीज है, राइट। कई पोस्ट पर बात करें तो वैकेंसीज हैं, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट, वैसे बात करें सोशियोलॉजी की बात करें, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। ओके, जैसे PGT टीचर की बात करें, कंप्यूटर साइंस, इनका जो एक हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट के नाम हो गया कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन हो गया, डोमेस्टिक साइंस टीचर हो गया, म्यूचुअल टीचर हो गया, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इस तरह से काफ़ी पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं। तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा जिसके बारे में आपको पोस्ट वाइज डिस्कशन किया जाएगा कि कितनी पोस्ट आई हुई है, किस कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट है, वो एक डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी जो हम आपको ओवरऑल नोटिफिकेशन देने आए कि आपको किस तरह से समझना है कब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो 24th of January से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24th of January से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसका लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, उसका भी लाइव वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। और जो इसका लास्ट डेट है एग्ज़ाम को फिल करने का, इस फॉर्म को फिल करने का, वो 23 February है। 23 February से पहले आपको एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर लेना है और इसका पेमेंट भी कर लेना है, राइट। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 24 January से फॉर्म अगर लाइव हो रहा है तो आप उसको 2 से 3 दिन के अंदर फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि इसमें क्या सर्वर का इशू बहुत आता है, क्योंकि दिल्ली बोर्ड का काफ़ी स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई करते हैं, तो सर्वर का इशू ना है तो आप पहले भर लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्पीड अप एजुकेशन कल से इसका बैच स्टार्ट कर रहा है और हम इसमें सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि इसका जो हम कल से जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया, अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है, तो पहले पोस्ट के बारे में बताएं, तो इसके 3522 पोस्ट हैं, ठीक है भाई, 3522 से ज़्यादा ही पोस्ट है, क्योंकि दो फॉर्म में पोस्ट आई है, एक बार 3522 के करीब पोस्ट है, 3522 बोले 3552 है, ठीक है, 3552, और प्लस 700 पोस्ट का एक और नोटिफिकेशन आया था, अगर उनको ऐड करते तो अराउंड टू हमारा 4200 पोस्ट बनता है। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा मौका है, और इसका एग्जाम डेट और क्या कहते हैं एडमिट कार्ड डेट अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब मान लीजिए आपको 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंतराल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके एडमिट कार्ड का और उसके एग्जामिनेशन का, क्योंकि एक महीना तो अभी फरवरी तक चलने वाला है, क्योंकि जनवरी से लेकर फरवरी तक आपका फॉर्म ही फिल होगा, तो 1 महीने के बाद 2 महीने का समय आपको प्रिपरेशन का, मान लीजिए तो 3 महीने का टोटल आपके पास समय है, राइट। तो ये बातें हो गई। अगर हम बात करें इसमें क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, इससे पहले बात करें इसकी फीस कितनी है, अगर हम फीस की बात करें इसकी, तो फीस जनरल कैंडिडेट की बात करें और OBC की बात करें, 100 rupees आपको पे करने हैं वाया ऑनलाइन मोड, और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो उनके लिए 0 फीस है, फी में एग्जम्पशन है, और ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करें उनकी भी फीस 0 है, ऑल फीमेल की बात करें उनकी भी फीस 0 rupees है, यानी इनको 100 rupees पे करना है जनरल और OBC कैंडिडेट को, ठीक है। ये बात हो गई, ये नोटिफिकेशन बात हो गई, DSSB का जो फॉर्म स्टार्ट होगा 24th of January से स्टार्ट होगा। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, शॉर्ट आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, Tier 1 और Tier 2 दो फॉर्म में इसके एग्जामिनेशन होने, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट आएगा आपका, फिर क्या आएगा स्किल टेस्ट आएगा, क्लियर है, स्किल टेस्ट। तो ये बहुत बड़ा मौका है DSSB की वैकेंसी, काफ़ी दिनों बाद भी इतनी बड़ी वैकेंसीज आई हैं, तो इन वैकेंसीज के लिए हमें जी जान से उतर जाना है, और कल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो कि सब्जेक्ट्स आपको पता है टायर वन के सभी पूरे DSSB के, चाहे किसी भी पोस्ट का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, बस लेवल का फ़र्क है। अगर PGT है तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही तो लेवल थोड़ा अप है, अगर लोअर की ग्रुप की बात करें, लोअर ग्रेड की बात करें, तो उसका लेवल थोड़ा सा हल्का है, लेकिन पैटर्न सबका सेम है, पैटर्न इन देंस कि टायर वन का जो सिलेबस है वो सबका सेम है। क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और आपका हिंदी और इंग्लिश का है, जनरल हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके, फिर टायर 2 में भी वही सब्जेक्ट है, उसका अपग्रेड कर दिया गया, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा,
क्लियर है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी करिए और अच्छे से नौकरी लीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2020 में स्टार्टिंग जनवरी में भी आपको वेलकम किया गया इतनी ज़्यादा पोस्ट से, तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या करना है, आपको बस स्टार्ट कर देना है, आपको डेली लग जाना है, बस ये मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि ये मौका एक बार नहीं बार बार कभी नहीं आता, ठीक है, एक बार ही मौका है। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज, अराउंड 4000 वैकेंसीज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने, तो आपको प्रिपरेशन करनी है बहुत ही अच्छे लेवल से, क्लियर है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो इतनी बातें हो गई हमारी, तो एक बार शॉर्ट समराइज करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। DSEB 2020 की 4000 प्लस की वैकेंसीज हैं, जिसकी फीस ये 100 रुपीज़ जनरल OBC की, SC ST PH और ऑल फीमेल्स की फीस 0 है। प्लस अगर TGT PGT की वैकेंसीज के बारे में बात की हमने, इसको आप 24 जनवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट 23 फरवरी है, और इसमें 2 एग्जामिनेशन होने, Tier 1 Tier 2 और उसके बाद स्किल टेस्ट होना। Tier 1 का सिलेबस बताया दिया मैंने आपको, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश, आपकी जनरल हिंदी इंग्लिश होगी और GK हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया है ना, तो फिर ये सारी चीज़ कर सकते हैं। और कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपने आपको इनरोल करा ले। इनरोल कैसे कराना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन द बैच, तो ये सब फ्री बैच होगा, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अगेन वेलकम टू द स्पीड ऑफ एजुकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बात करेंगे आपसे एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, और वैकेंसीज वाइज बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। और हाँ दोस्तों, एक आखिरी जो बात है कि इसकी जो वैकेंसी 4800 ग्रेड पे की है, कितनी 4800 ग्रेड पे है, तो आपको पता है इस 4800 ग्रेड पे की वैल्यू क्या होती है। तो आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए, 2020 में पहला मौका इतनी बड़ी पोस्ट और दूसरा इतना बड़ा ग्रेड पे, तो ये प्रोफाइल जॉब है जो आपको एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल और स्टेटस दे सकती है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखेंगे।